घड़ी को भूल कर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, घर में लगी घड़ी जिसे हम रोज निहारते हैं पर कभी ये नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। घड़ी की तरह ही घर में और भी कुछ चीजें हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें कि कैसे आपको इन वास्तु दोष का पता लगता है और किस तरह से आप इन्हें दूर कर सकते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर ले तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर एक, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दे, पीपल को जल चढ़ाए और चींटियों को शक्कर मिला आटा दे, तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सोएं, सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर दो, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। नंबर तीन, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखना चाहिए। नंबर चार, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। नंबर पाँच, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। नंबर छह, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर अवश्य जलाएं। नंबर सात, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की दो टिकियां रखें, खत्म होने पर दोबारा रखें। नंबर आठ, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर नौ, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी ना रखें। नंबर दस, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं, शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं, ये प्रक्रिया रोज करें। नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। नंबर 14, घर में पोछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें, सादा नमक भी डाल सकते हैं। दोस्तों घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए, सबसे पहली बात जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है घड़ी का आकार, यानी कि घड़ी की शेप। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार गोल आकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद है जिसमें घर के सदस्य या भगवान की फोटो भी लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्य के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीप अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल या अंडाकार हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है।
चौकोर घड़ी में नुकीले कौन होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों अगली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें, उसकी धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को सवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहिए, इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर चलाते रहते हैं। एक जगह पर अगर नई घड़ी लगाते हैं तो पुरानी घड़ी को उतार कर किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि घर में पुरानी या टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई या बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। दोस्तों घड़ी अगर समय का प्रतीक है तो कैलेंडर उससे जुड़े तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तर दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी का समय सही रखें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। समय हमेशा सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये छोटा सा उपाय आप जरूर कर लेना दोस्तों। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देते हैं, इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी भी मुख्य द्वार पर टांगे, ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है, इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भी पुरानी घड़ी है जो वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि चलती है, खराब नहीं है, तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।